हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने LG W30 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो है स्क्रीन पिनिंग सेटिंग को आप इनेबल कैसे कर सकते हैं, यानी ऑन कैसे कर सकते हैं, और ये स्क्रीन पिनिंग सेटिंग जो है इनेबल होने के बाद आप इस सेटिंग को कैसे यूज़ कर पाएंगे, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पर जो है वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग पेज ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज ओपन करेंगे तो आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा सिक्योरिटी का, सिक्योरिटी पर सिलेक्ट करना है। इसके बाद सिक्योरिटी के इस पेज में आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा ये स्क्रीन पिनिंग का, ठीक है। स्क्रीन पिनिंग पर सिलेक्ट करना है तो आपका स्क्रीन पिनिंग का ये पेज आ जाएगा। इस पेज में आपको ऑफ के सामने जो बटन दे रखा है ना, इस बटन को आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो ये सेटिंग आपकी स्क्रीन पिनिंग इस तरीके से इनेबल हो जाएगी, ठीक है। अभी सेटिंग जो है ना इनेबल होने के बाद ये सेटिंग कैसे काम करेगी ये मैं आपको समझा देता हूं। तो आप जो है अपने जिस किसी भी एप्लीकेशन को अगर आपने ओपन कर रखा है, ठीक है, किसी भी एक एप्लीकेशन को आपको जो है ओवरव्यू करना है इस तरीके से, ठीक है। और जो ऐप का जो आइकन होगा ना उस पर सिलेक्ट करना है तो आपका पेज ओपन होगा। इस पेज में आपको पिन का ऑप्शन मिलेगा, पिन पर सिलेक्ट करेंगे ना तो ये पॉपअप आ जाएगा आपका स्क्रीन इस पिन का। आपको नीचे की साइड ये गॉट इट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना, गॉट इट पे आपको सिलेक्ट करना है तो आपकी स्क्रीन पिन हो जाएगी। देखिए लिखा हुआ आ रहा है स्क्रीन पिन, ठीक है। तो अब ये स्क्रीन पिन होने के बाद ये सेटिंग कैसे काम करेगी, जिस ऐप को आपने पिन किया है उस ऐप के अंदर आप जो है पेज के आगे और पेज के पीछे आप जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन जिस ऐप को आपने पिन किया है ना उस ऐप से आप बाहर नहीं निकल पाएंगे। ये देखिए मैं इस पेज के बैक पेज पे जाता हूँ तो देखिए बैक पेज पे आ गया, ठीक है। इसके मैं अगले पेज पे जाऊँगा तो अगले पेज पे चला जाऊँगा, ठीक है। किसी भी ऑप्शन को टच करूँगा ना तो मैं उसको अगले पेज पे चला जाऊँगा, ठीक है, और पीछे पेज पे आ जाऊँगा। लेकिन मैं इस एप्लीकेशन से अगर बाहर निकलना चाहूँगा तो यहाँ से नहीं निकल पाऊँगा। ये देखिए मैं बैक बटन दबा रहा हूँ तो इस एप्लीकेशन से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। कोई सा बटन दबाऊंगा तो ऐसे नहीं निकल पाऊंगा। इसके लिए आपको करना क्या है, मोबाइल फोन का जो बैक बटन होता है और ये ओवरव्यू बटन, यानी पहला बटन और ये तीसरा बटन, इन दोनों को आपको एक साथ दबाकर रखना है तो आपका मोबाइल फोन जो है ना स्क्रीन लॉक पे चला जाएगा। और यहाँ पर आपको अपना स्क्रीन लॉक एंटर कर देना है, ठीक है। स्क्रीन लॉक एंटर कर देंगे तो आपका मोबाइल फोन इसी पेज पे वापस आ जाएगा, ठीक है। अगर आपने स्क्रीन लॉक नहीं लगा रखा है ना अपने फोन पे, नहीं लगा रखा है तो आपका जो ऐप है ना वो अनपिन हो जाएगा और आपका इसी पेज पे रहेंगे आप, ठीक है। और अब आपको जो है बैक बटन दबाना है, बैक बटन दबाएंगे तो देखिए आप एप्लीकेशन से बाहर निकल जाएंगे। ये सेटिंग जो है ना इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं स्क्रीन पिनिंग सेटिंग इनेबल करने के बाद।